अपने पैसे का काफी घमंड भी था, जैसा कि अक्सर लोगों को हो जाता है। एक दिन अपनी बड़ी महंगी वाली कार में कहीं जा रहे थे, कार में कोई एक ऑडियो चल रहा था जिस पर उन्होंने एक संत की वाणी सुनी। उसमें वो संत ये कह रहे थे कि इंसान सारा जीवन पैसे के पीछे भागता रहता है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ लोग तो गलत काम करने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो इस सत्य को भूल जाते हैं कि वो इस पैसे के एक अंश को भी अपनी मृत्यु के बाद अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। जीवन 4 दिन का है और उस 4 दिन के जीवन में पैसे की खातिर भाग दौड़ में बस लगे रहते हैं। ये सुनकर ना इस अमीर साहब को बहुत गुस्सा आया, थोड़े अनॉय हो गए, थोड़ा सा उनको इरिटेशन हुआ। उन्होंने क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये संत महात्मा के पास खुद पैसे तो है नहीं, इसलिए ये पैसों के बारे में ऐसी उटपटांग बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बात का चिंतन उनके दिमाग में रहा, एक टेंशन सा उनके दिमाग में रहा। जब अपने दफ्तर पहुंचे तो सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करा, बोले मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और सारे एम्प्लॉयज से कहा कि भाई मुझे एक ऐसा आइडिया ढूंढ कर ला के दो जिससे मैं मृत्यु के बाद अपनी सारी दौलत अपने साथ ले जा सकूं। लोग समझे कि बॉस बिल्कुल पागल हो चुके हैं और लोगों ने उन्हें अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन बॉस लगातार हर थोड़े दिन में इस पर बात किया करते थे कि उन्हें तो एक ऐसा आइडिया चाहिए जिससे वो मृत्यु के उपरांत अपनी दौलत अपने साथ ले जा सके। अचानक से एक दिन एक स्ट्रेंजर आता है, एक अनजान व्यक्ति उनसे मिलने की इच्छा जताता है। जब मिलता है तो कहता है कि मैंने सुना है कि आपको कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे मृत्यु उपरांत अपनी दौलत आप अपने साथ ले जा सके। इस आदमी की आंखों में चमक आ गई, बोले है क्या तुम्हारे पास ऐसा आइडिया? उसने कहा हाँ, एक लाजवाब आइडिया है मेरे पास। इन्हें मन ही मन सोचा कि सारी दुनिया मुझे पागल समझ रही थी और फाइनली कोई व्यक्ति आइडिया लेकर आ गए। बहुत खुश हुए, बहुत उत्साहित थे, आइडिया सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे, बोले फटाफट से मुझे बताओ कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा कि आपने विदेश यात्रा करी है? बोले हाँ, लगभग सारे देशों की यात्रा करी, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां मैं नहीं गया। तो बोले अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, जब आप यूएसए गए थे तो यूएसए जाने के पहले आपने क्या किया था? तो इन्होंने कहा कि मैंने अपनी करेंसी को कन्वर्ट किया था, भारतीय रुपए को अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट किया था। बोले अच्छा, आप यूके गए हो, यूके जाने के पहले क्या किया था? तो बोले उस समय मैंने अपने इंडियन रुपी को पाउंड में कन्वर्ट करा था। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप बताइए कि आपने ये सब क्यों किया था? तो ये साहब मुस्कुराए, बोले आपको इतना भी नहीं पता क्या, वहां पर इंडियन रुपी की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर रुपया नहीं चलता, मेरे पैसे की कीमत वहां हो, इसके लिए मैंने पैसे को वहां की करेंसी में कन्वर्ट करा। ये साहब मुस्कुराए और बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आप अब इस सत्य को जानते हैं कि एक ही तरह का पैसा हर जगह नहीं चलता। अब मृत्यु उपरांत आप जाना चाहते हैं स्वर्ग में, है ना? बोले हाँ। तो बोले स्वर्ग की भी एक करेंसी है, स्वर्ग की करेंसी का नाम है पुण्य। अगर आप यहाँ रहते रहते अपने रुपए पैसे को स्वर्ग की करेंसी में कन्वर्ट कर लोगे तो आप यहाँ का रुपया वहाँ ले जा सकते हो। तो अपने समय को बिल्कुल बर्बाद ना कीजिए और जो आपका पैसा है उसे पुण्य कर्मों में, धर्म कर्मों में लगाइए। ये सुनकर उस मिलेनियर की आंखों में चमक आ गई और उसे बात वाकई समझ में आई कि हाँ, ये तरीका है जिससे मैं यहाँ की धन दौलत को वहां लेकर जा सकता हूँ। और उसी दिन से उन्होंने तय किया कि अपने पैसे का सदुपयोग करेंगे, दान धर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे। तो हम और आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी से अपना हेवनली अकाउंट आप और हम भी तैयार करते, छोटे बड़े जिस रूप में हो सके, क्यों नहीं हम पुण्य कर्म कराते और अपनी करेंसी को भी वहां के लिए कन्वर्ट करके तैयार करते। मैं विनी हूँ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।